नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम लेके आ रखे हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। अभी तक उत्तराखंड जिला सीरीज में हम दो जनपदों के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बता चुके हैं, टिहरी जनपद और उसके बाद हमने उत्तरकाशी जनपद के बारे में बताया। आज हम जो तीसरा जनपद है वो है रुद्रप्रयाग जनपद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रुद्रप्रयाग जनपद, क्योंकि रुद्रप्रयाग जनपद में एक तो मंदिर भी बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। रुद्रप्रयाग के मंदिरों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और नदी सिस्टम हो गया और जो भी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद को भी हम तीन पार्ट में कवर करेंगे। जो पार्ट वन है यानी आज का जो पार्ट है उसमें हम रुद्रप्रयाग जनपद के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, प्रशासनिक ढांचा, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुग्याल और प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम आज इसी पार्ट वन में कवर करने वाले हैं। दूसरा जो पार्ट टू आएगा उसमें हम प्रसिद्ध मंदिर और प्रमुख मेले, और तीसरे पार्ट में हम नदी सिस्टम, कुंड, ताल, झील और भी जो परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, वो सारे कवर कर लेंगे। तो तीन पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे मैप। मैप को आपको एक बार अच्छे से समझना है और फिर इसके माध्यम से मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इसे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। तो यह है यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद का मैप। अब देखो, मैप के अनुसार पहले एक बार मैप को अच्छे से समझ लेना, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में वो सभी इस मैप में दर्शा पाऊँ। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें दर्शा रखी है। तो पहले रुद्रप्रयाग के थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा। तो माना जाता है कि जहाँ पर रुद्रप्रयाग है वहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या की थी शिव की घोर तपस्या करने के कारण शिव ने वहाँ पर नारद मुनि को अपने रुद्र रूप में दर्शन दिए थे, यानी रुद्र अवतार लिया था शिव ने वहाँ पे रुद्रप्रयाग में। इसलिए रुद्रप्रयाग का नाम क्या पड़ा, रुद्र के कारण क्या पड़ा, रुद्रप्रयाग पड़ा। दूसरा कारण क्या है यहाँ पे, यह है यहाँ पे रुद्रप्रयाग यहाँ पे है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा का और मंदाकिनी का। ये अलकनंदा आ रही है चमोली से रुद्रप्रयाग में, और ऊपर से आ रही है यहाँ पे, ये रुद्रप्रयाग से ही आती है मंदाकिनी, ऊपर से केदारनाथ से, ऊपर चोरावाड़ी ग्लेशियर से। अभी मैं आपको नदी तंत्र में बताऊँगा इसके बारे में। तो वहाँ से आती है और रुद्रप्रयाग में संगम करती है। तो रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग, तो इसलिए यहाँ का नाम भी क्या है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे क्या है, प्रयाग है, यहाँ पे एक संगम हो रहा है नदियों का, तो एक ये कारण भी है कि यहाँ का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग पड़ा हुआ है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, इसलिए रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। अब एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या है। तो क्या है पुराना नाम, पुनाड़। रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है वो है आपका पुनाड़। पुराने से आपको ध्यान रखना है, पुनाड़ नाम किसका है, पुराना नाम वो है आपका रुद्रप्रयाग जनपद का। तो ये तो इसके इतिहास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब मैं आपको बताऊँ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो रुद्रप्रयाग जनपद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सितंबर 1997 में। और रुद्रप्रयाग जनपद को टिहरी हो गया, चमोली हो गया इसका इधर, और यहाँ नीचे है पौड़ी। इन तीनों जनपदों से कुछ हिस्सों को अलग करके, टिहरी हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी, इन तीनों जनपदों के कुछ हिस्सों को अलग करके क्या बनाया गया, रुद्रप्रयाग ज़िला बनाया गया सितंबर 1997 को। अब डेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है 16 सितंबर, तो आप 16 सितंबर पे ही जाना। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है, कहाँ से, टिहरी से, पौड़ी से और चमोली के कुछ हिस्सों को मिलाकर। और कई बुकों में 18 सितंबर भी दिया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे रुद्रप्रयाग की, तो 16 सितंबर वहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्थापना हुई 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की। अब देखो इसके भौगोलिक परिस्थिति या भौगोलिक नेचर देखो इसका। तो यहाँ पर देखो, इसके पूर्व में कौन सा जनपद है, चमोली। रुद्रप्रयाग के पूर्व में कौन है, चमोली है। पश्चिम में हो गया आपका टिहरी जनपद। उत्तर में कौन गया, उत्तर से उत्तरकाशी हो गया, यहाँ से हो गया। और दक्षिण में कौन है गया, आपका पौड़ी जनपद हो गया। तो जो रुद्रप्रयाग जनपद है वो पूर्ण रूप से आंतरिक एक जनपद है। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा जनपद ऐसा है जो आंतरिक जनपद है, तो उनमें से एक रुद्रप्रयाग भी है। आंतरिक का मतलब होता है
जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं बना रहा है, बल्कि राज्य के अंतर्गत जो जनपद आ रहे हैं उन्हीं से सीमा शेयर करता है। तो रुद्रप्रयाग उनमें से एक है। ये चार जनपदों से सीमा क्या करता है, सीमा बनाता है या सीमा शेयर करता है, जैसे आपका चमोली हो गया, दूसरा हो गया आपका उत्तरकाशी, ये हो गया ऊपर, तीसरा यहाँ पे टिहरी हो गया, और चौथा हो गया पौड़ी जनपद। तो चार जनपदों से सीमा बना रहा है आपका रुद्रप्रयाग जनपद। अब इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है रुद्रप्रयाग जनपद का, वो है 1984 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1984 वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्रफल है यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद का। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें अगर, तो रुद्रप्रयाग जनपद दूसरा सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जनपद कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में, वो है चंपावत। कौन है ये आपको नोट करना है। सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो जिला है उत्तराखंड का चंपावत। जबकि दूसरा सबसे छोटा जनपद कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। तो तीन सबसे छोटे और तीन सबसे बड़े, ये तो आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट जो सबसे छोटा है वो चंपावत है, दूसरा कौन है रुद्रप्रयाग है। तो आप इनको जरूर नोट करेंगे, रुद्रप्रयाग क्या है, दूसरा सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसके राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, कई मेरे को मैंने जब उत्तरकाशी जनपद वाली वीडियो में बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर उसमें तो एक NH-94 था। तो मैं आपको बता दूँ, राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, और मैं आपको वही नाम बता रहा हूँ जो अपडेटेड है, यानी जो नए राष्ट्रीय राजमार्गों के जो नए नाम रखे गए हैं या जो चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में जो नाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें, एक तो वही है जो कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से होकर आ रहा है आपका रुद्रप्रयाग, और कहाँ जाता है चमोली बद्रीनाथ माणा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो इसका जो नाम है वो है NH-7, ये है यहाँ पे NH-7। कहाँ से आता है, दिल्ली से होकर श्रीनगर आ गया ये, और यहाँ से जाता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गोचर, गोचर से आगे बद्रीनाथ माणा। तो ये तो NH-7 है, तो ये आपको नोट करना है, जो कहाँ जाता है दिल्ली टू बद्रीनाथ माणा जाता है वो NH-7 है, और ये कहाँ आता है रुद्रप्रयाग क्षेत्र के भी, मतलब रुद्रप्रयाग से गुजर के जाता है ना ये, यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो गया और यहाँ पे संगम हो गया, और यहाँ से एक ऊपर जाता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है NH-107। ये देखो मैंने मैप में बता रखा है, यहाँ से जा रहा है ऊपर और ये है NH-107। तो दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं रुद्रप्रयाग से, एक तो कहाँ से आ रहा है दिल्ली से श्रीनगर होके रुद्रप्रयाग और जाता है बद्रीनाथ और माणा, और दूसरा कहाँ से शुरू होता है रुद्रप्रयाग से, जिसका नाम है 107, रुद्रप्रयाग से शुरू होता है और कहाँ पहुँचता है आपका अगस्त मुनि से होकर और सोनप्रयाग से होकर, और ये सीधे पहुँचता है आपका गौरीकुंड। तो कुल मिला के जो NH-107 है, 107 ये मैंने बता रखा है यहाँ पे, ये कहाँ से जा रहा है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड के आगे क्या है, मतलब केदारनाथ कोई रोड नहीं जाती है, ठीक है, केदारनाथ नहीं जाती है, सिर्फ गौरीकुंड तक ही जाता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-107 या NH-107। और इसका जो पुराना नाम था वो था NH-109, तो अब ये बदल कर क्या हो गया 107 इसका हो गया है। तो ये आपको नोट करना है, रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक NH-107। या अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से, देखो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछता, हमेशा घुमा के पूछता है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि केदारनाथ में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जाया जाता है, या केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ता है, तो वो आता है आपका 107 में। भले ही केदारनाथ तक नहीं जाता, लेकिन गौरीकुंड तक आप इस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जा सकते हैं, फिर वहाँ से पैदल मार्ग है केदारनाथ के लिए। तो ये इस प्रकार से आपके, मतलब क्वेश्चन ना अजीब टाइप से पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सब चीज़ें पढ़ के जाना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे केदारनाथ के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो यहाँ पे हम PDF के माध्यम से भी आपको बताएंगे, फिर मैप में भी वहाँ पे दर्शाएंगे कि कौन सी तहसील या कौन सा ब्लॉक कहाँ है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे। तो एक बार PDF के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रशासनिक ढांचा है, जो विधानसभा जो सीटें हैं या विधानसभा क्षेत्र हैं जो रुद्रप्रयाग में, वो सिर्फ दो हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल तो आपको मैंने बता दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे छोटा जनपद है। तो नंबर वन है यहाँ पे केदारनाथ और नंबर टू है रुद्रप्रयाग। तो दो यहाँ पे क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र हैं। अब देखो यहाँ पे केदारनाथ है, यहाँ के जो विधायक है अभी वो कौन है, मनोज रावत जी हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, ठीक है, ये कांग्रेस से हैं मनोज रावत जी, जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं।
और रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका नाम है भरत चौधरी, जो कि बीजेपी के हैं। तो ये वैसे एग्ज़ाम की जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ऐसी एज ए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो एक सीट पर कांग्रेस का अधिकार है और एक सीट पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब देखो आगे बढ़ो, यहाँ पर तहसीलों की बात कर लेते हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद में टोटल 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है देखो, तहसीलें और विकासखंड आपको ज़रूर नोट करने हैं। तो तहसीलें कितनी है रुद्रप्रयाग में, 4 हैं। नंबर 1 है रुद्रप्रयाग, नंबर 2 है उखीमठ, नंबर 3 है बसुकेदार और नंबर 4 है जखोली। तो 4 तहसीलें हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। अब एक बार आप मैप में, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये तहसीलें हैं। तो एक तो यही हो गई रुद्रप्रयाग तहसील, नंबर 1। नंबर 2 हो गई जखोली तहसील, 2 हो गई रुद्रप्रयाग और कौन हो गई जखोली हो गई। अब जो उखीमठ है वो है यहाँ पर, ये है आपका उखीमठ तीसरा, और इधर हो गया बसुकेदार, ठीक है। तो ये 4 तहसीलें हैं यहाँ पे जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। विकासखंडों की बात करें तो 3 विकासखंड हैं आपके रुद्रप्रयाग में। कौन कौन से हैं, उखीमठ, जखोली और अगस्तमुनि। तो एक तो उखीमठ ये हो गया, अगस्तमुनि हो गया ये, और एक हो गया जखोली विकासखंड। तो जखोली ये है आपका, ये इसमें बांगर क्षेत्र, खलियान बांगर गाँव भी आता है और ये सारे इधर काफ़ी गाँव हैं। तो गाँव तो आपको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाँव तो नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपको विकासखंड और तहसीलें, 4 तहसीलें और 3 विकासखंड हैं आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। अब यहाँ पे टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या है जो रुद्रप्रयाग में वो है 242,285 और जनघनत्व है 122। जनघनत्व मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। तो 122 है यहाँ पर जनघनत्व रुद्रप्रयाग जनपद में। लिंगानुपात की बात करें तो 114 है। साक्षरता 81.3% है यहाँ पर, टोटल साक्षरता है जो वो है 81.3%, और जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 93.90%, यानी ये है राज्य में सर्वाधिक। क्या राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है रुद्रप्रयाग जनपद में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप ज़रूर इंपॉर्टेंट करिएगा कि उत्तराखंड राज्य में कौन से जनपद में सर्वाधिक क्या है पुरुष साक्षरता दर है, तो वो है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में 93.90%। परसेंट भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि कितनी प्रतिशत साक्षरता है वहाँ पर रुद्रप्रयाग में पुरुषों की, और महिलाओं के यहाँ पे 70.35%। तो ये हो गए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब बढ़ते हैं आगे प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इनको मैप के माध्यम से बताता हूँ पूरी डिटेल्स इनके बारे में दोस्तों। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे गुप्तकाशी की। तो देखो कहाँ है मैप में गुप्तकाशी, वैसे ये मैप आपको ऐप में मिल जाएगा जहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं हमेशा, और अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम से आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। तो या तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, या आपको आपका ऐप तो हो गया हमारा उत्तराखंड जी के, तो वहाँ पर भी आप नोट्स भी बना सकते हैं अपने और मैप भी देख सकते हैं अच्छे से। तो काफ़ी अच्छे से मेहनत करके मैंने ये मैप बनाया है, और मैप आपको कैसा लगा और कैसी आपको हमारी सीरीज़ लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखो यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है प्रमुख, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुप्तकाशी की। तो कहाँ पे है गुप्तकाशी, ये है यहाँ पर गुप्तकाशी। गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के तट पर, ये मंदाकिनी नदी आ रही है, नदी तंत्र आपको कलिया मतलब जो दूसरा तीसरा पार्ट आएगा उसमें आपको नदी तंत्र पढ़ाया जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद का, तो पूरी डिटेल्स इसके बारे में समझाई जाएगी। तो जो क्या है यहाँ पे मंदाकिनी नदी है जो कहाँ से आ रही है, केदारनाथ से ऊपर चोरावाड़ी ग्लेशियर से, और वो गुप्तकाशी होके यानी गुप्तकाशी इसी मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए गुप्तकाशी कौन सी नदी के तट पर है, तो वो है आपका मंदाकिनी नदी के तट पर। तो गुप्तकाशी में 2 जो मंदिर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 है विश्वनाथ मंदिर, ये विश्वनाथ मंदिर 2 हैं उत्तराखंड में, एक तो रुद्रप्रयाग में है और एक है उत्तरकाशी में। मैंने उत्तरकाशी वाली सीरीज में भी आपको बताया था और वहाँ पे उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर के बारे में काफ़ी डिटेल्स बता रखी है। आज हम बात करेंगे गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर की। तो उत्तराखंड में 2 जगह हैं विश्वनाथ मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, और दूसरा जो मंदिर है विश्वनाथ मंदिर के ही सामने हैं गुप्तकाशी में, वो है अर्धनारीश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, अर्धनारीश्वर मंदिर, ये माता पार्वती और शिव दोनों को समर्पित है अर्धनारीश्वर मंदिर। और यहीं पे इन मतलब जो विश्वनाथ मंदिर है उसी के सामने एक अन्य कुंड भी है मणिकर्णिका कुंड। तो 3 चीज़ें आपको गुप्तकाशी में ध्यान रखनी है।
एक तो विश्वनाथ मंदिर है, दूसरा है अर्धनारेश्वर मंदिर गुप्तकाशी में ही है, और तीसरा है आपका मणिकर्णिका कुंड जो कि विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। ये तीन चीज़ें आपको गुप्तकाशी के बारे में ध्यान रखनी है। तो एक तो हो गया गुप्तकाशी, दूसरी बात करते हैं अब देखो, हाँ एक और चीज़ में गुप्तकाशी यहाँ का नाम क्यों पड़ा, तो माना जाता है यहाँ पे शिव भगवान गुप्त हुए थे या विलुप्त हुए थे, और इन्होंने मतलब गुप्त भेष वहाँ पे जब पांडव खोजने आए थे ना, एक कहानी है, मैं आपको भी जब मैं मंदिर वाली वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं पूरी डिटेल्स उस कहानी के बारे में आपको बताऊंगा, जो रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जब मैं उन पे यानी जो पार्ट टू आएगा रुद्रप्रयाग जनपद का, तो उसमें वो आपको कहानी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ कि जब पांडव यहाँ पे आए थे तो मतलब युद्ध के बाद जब उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था, उसके बाद शिव उनसे रुष्ट हो गए थे, और जब वो उनको खोजने आए थे शिव भगवान को, तो शिव भगवान यहाँ पे विलुप्त हो जाते हैं या गुप्त हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, गुप्तकाशी पड़ा। अब देखो जो दूसरा प्रमुख पर्यटक स्थल है वो है अगस्त मुनि ये है यहाँ पे, और ये बिल्कुल NH 107 है जो नेशनल हाईवे उसी मतलब अगस्त मुनि से होकर ही जा रहा है, और ये भी मंदाकिनी नदी है जो उसके निकट स्थित है अगस्त मुनि। और यहाँ पे मुनि अगस्त आपने सुना होगा, तो मुनि अगस्त ने यहाँ पे तपस्या की थी, और यहाँ पे मुनि अगस्त के जो इष्ट देव थे अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि अगस्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अगस्त मुनि में स्थित है, रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में स्थित है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर जो कि अगस्त मुनि के इष्ट देव हैं। तीसरा जो स्थान है यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल वो है उखी मठ, ये है यहाँ पे उखी मठ, मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है, और ये भी बिल्कुल मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ पे माना जाता है उखी मठ में कि द्वापर युग में जो बाणासुर की पुत्री थी उषा और श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, तो उन दोनों का विवाह हुआ था, उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था उखी मठ में, ऐसा माना जाता है यहाँ पे द्वापर युग की ये बात है। और उखी मठ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दर्शा रखा है मैप में, ओंकारेश्वर मंदिर है आपका उखी मठ में। अब ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, एक तो इसका निर्माण किसने कराया था, गुरु शंकराचार्य ने कराया था ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। अब ये प्रसिद्ध इसलिए है कि शीतकाल के दौरान जब क्या होता है केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, और मदमहेश्वर पंच जो केदार हैं उनमें से एक दो केदार मैं आपको बताऊँ, एक तो क्या है यहाँ पे केदारनाथ है, एक मदमहेश्वर है, और तीसरा भी रुद्रप्रयाग है, वो कौन है आपका तुंगनाथ, तो मंदिर वाली वीडियो में उनके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो केदारनाथ है और मदमहेश्वर है, दो केदार हैं, इनके जब शीतकाल में इनके कपाट बंद होते हैं तब इनकी डोलियाँ कहाँ लाई जाती है, उखी मठ में लाई जाती है, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो डोली कहाँ पर लाई जाती है, ओंकारेश्वर मंदिर में। ये कुल मिला के पूजा स्थल कौन है शीतकाल का, वो है ओंकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ का भी और मदमहेश्वर का भी जो कि उखी मठ में स्थित है। चौथा जो स्थान है वो है चोपता, तो चोपता कहाँ पर, यहाँ पर ये है, यहाँ पर उखी मठ से कुछ ही दूरी पर है चोपता, और चोपता में स्थित है बनिया कुंड, ठीक है, बनिया कुंड ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है यहाँ पे। अब देखो बनियाकुंड में क्या बनने जा रहा है, ये करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसी बनियाकुंड के जंगल में, जो चोपता का बनियाकुंड नामक जंगल है, वहाँ पे उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक बनाया जाएगा। मैंने आपको करंट अफेयर्स वाली वीडियो में भी ये समझाया था, और आज भी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चोपता के जो जंगल हैं बनियाकुंड जंगल, वहाँ पर उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक बनाया जाएगा, और ये इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो पर्यटक यात्री हैं वो इस के माध्यम से वहाँ का आनंद ले सकें, जंगलों का आनंद ले सकें, जंगली जीवों को देख सकें, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के इतिहास के बारे में, उसके भूगोल के बारे में, उसके अड़ोसी पड़ोसी जनपदों के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग और यहाँ पर जो प्रमुख पर्यटक स्थल है रुद्रप्रयाग जनपद में उनके बारे में डिटेल्स बताई। जो आने वाला पार्ट टू है उसमें उत्तराखंड कि रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मंदिरों और प्रमुख मेलों पर बात करेंगे, और जो पार्ट तीसरा होगा उसमें नदी तंत्र, कुंड और जलप्रपात, जो भी अन्य फैक्ट होंगे बचे हुए वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो तीन पार्ट में ये रुद्रप्रयाग जनपद भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।